Hello students, welcome to my YouTube channel Vedanta Computer Institute Paligarh. जी हाँ छात्रों, आपका स्वागत है मेरा नया YouTube चैनल. पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी क्लासेस अभी बंद है, और इस बंद क्लासेस के दौरान हमने निर्णय लिया कि आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाएंगे. तो पिछला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, और साथ ही कुछ रिवीजन आपको कराएंगे कि पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या अध्ययन किए थे, और आज हम लोग आगे का क्लास करेंगे जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर का डिफिनेशन, उसका पार्ट्स और कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म के बारे में पढ़ने को मिले. तो वीडियो देखते समय यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिलता है. तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ. तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यह लेना चाहता हूँ रिवीजन क्लास, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे इसको 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. और ये 2 मिनट के बाद 2 मिनट में जो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, तो सबसे पहला चीज पिछला वीडियो में आपको बताया गया था कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 3 कोर्स के बारे में पढ़े थे. सबसे पहला जो कोर्स था उसका नाम था DCA, दूसरा कोर्स देखे थे वो था DTP, तीसरा कोर्स देखे थे वो था टाइमिंग, जिसे हम लोग DFA के नाम से भी जानते हैं. और यदि एक चीज और बताया गया था कि DCA DTP प्लस टैली बराबर ABC. तो कोर्स के डिवीजन के बारे में हम पढ़े थे, कोर्स का नाम पढ़े थे, पूरा नाम पढ़े थे, और कौन सा कोर्स में क्या चाहिए. यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर और आप सारे वीडियो को देख सकते हैं. तो कोर्स के अंतर्गत हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, और इसके बाद पढ़ाया गया था कंसेंट्रेट करेंगे जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी इनको भी समझ में कुछ आ जाए. तो सबसे पहले बताए थे कंप्यूटर शब्द के बारे में कि जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से किया गया था, और बताए थे कि कोई भी शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है. कंप्यूटर दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया था, एक का नाम था कंप्यूटर और दूसरा का नाम ईआर. कंप्यूटर का मतलब बताया गया था गणना करना, और ईआर का मतलब बताया था तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा चैनल का दूसरा वीडियो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में. डिफिनेशन मतलब परिभाषा, किसे कहते हैं, और अलग अलग लोगों के द्वारा हर चीज का अलग अलग परिभाषा दिया जाता है. तो यहाँ पे सबसे सरल परिभाषा यानी कि सबसे आसान तरीका मैं आपको लिख दिया हूँ. इस परिभाषा को 3 भाग में तोड़ करके याद कर ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, घर पे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं. परिभाषा 3 भाग में तोड़ना है. सबसे पहला कंप्यूटर क्या है, तो एक लाइन में याद करना है जो कि जूनियर लेवल का है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहला ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बस यहीं तक. यह आपका पहला भाग हो गया. दूसरा भाग याद करना है विच प्रोसेस रो डाटा, यह हो गया दूसरा भाग. कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रो डाटा. और तीसरा भाग याद करना है एंड गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो 3 भाग को मिलाकर के कंप्यूटर का परिभाषा को पढ़ेंगे. सबसे पहला कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रो डाटा एंड गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे दो चीज ऐसा है जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं, मतलब की जानकारी नहीं है. पहला रो डाटा और दूसरा इंफॉर्मेशन. फिर से एक बार परिभाषा को यदि हिंदी में विस्तार से पढ़ेंगे तो निष्कर्ष निकलता है मेरे दोस्त. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा मशीन है जो विद्युत से संचालित होता हो. विद्युत समझ नहीं होंगे,
किसी रो डाटा को प्रोसेस करने के बाद सार्थक परिणाम देता है। हमेशा कोई हम लोग रिजल्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युतीय मशीन है जो किसी रो डाटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब काम करेगा और काम करके और हमको रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट देने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर। इसमें दो चीज हमें ध्यान से देखना है, पहला रो डाटा और दूसरा इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि जीरो डाटा को प्रोसेस करके हमें सार्थक परिणाम देता है। इसके आगे देखते हैं, इस परिभाषा में दो टर्म का इस्तेमाल किया गया, इसमें से अंडरलाइन किया गया टर्म था, एक था RAW DATA। प्रोनाउंसिएशन इसे करते हैं रो डाटा, यह आपका पहला टर्म जो कि डिफिनेशन में आया। दूसरा टर्म था रिजल्ट, इसका हिंदी होता है परिणाम। परिभाषा भी हम लोग देखे थे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रो डाटा को प्रोसेस करके सार्थक रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे इस टर्म का क्या कि ये रो डाटा कहते हैं किसको और रिजल्ट किसको कहते हैं, ये दोनों को समझना उसको बोलेंगे रिजल्ट। और यही रो डाटा को
तो रोटी हो गया आउटपुट, आटा हो गया इनपुट, और बीच में जो काम हुआ यह हो गया प्रोसेस। यह था हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण, इसको समझ लेंगे किसको, रो डाटा को और रिजल्ट। तो कंप्यूटर के भाषा में इसे कैसे समझेंगे एक बार ध्यान से, यदि आप समझ गए तो यहाँ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए हमारे पास दो तरह के डाटा मौजूद होता है। सबसे पहला हम लोग चलिए तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग की प्रैक्टिकली ये चीज देख लिए कि आटा से रोटी बनने का जो घंट क्या होता है, कैसे होता है, इनपुट यानी रो डाटा, इनपुट काम हुआ प्रोसेसिंग, जो रिजल्ट मिला। यहाँ देखिए कि यदि हमें कोई एक नोटिस प्राप्त होता है, नोटिस मतलब सूचना हाथ से कागज़ पर लिख करके मिला, और इसी सूचना को हमको कंप्यूटराइज्ड करना है, या किसी छात्रों का विवरण रजिस्टर में लिखा हुआ मिला और हमको बोला गया कि इसको एक्सेल शीट में तैयार कीजिए, तो यहाँ पे तैयार कीजिए मतलब कि काम अभी हुआ नहीं है, काम को करना है, और काम को करने से पहले जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है वह डाटा इनपुट क्या कहलाएगा, इनपुट। यदि हम काम कर देंगे किस पर, कंप्यूटर पे, तो काम कर देंगे और कंप्यूटर पे काम करके आ कागज़ पर रिजल्ट मिल जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं एक नोटिस है जो कि हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ एक सूचना प्राप्त हुआ कि कोरोना संक्रमण के कारण 14 अप्रैल तक क्लासेस बंद रहेगा। अब यही सूचना को, इस सूचना को कंप्यूटराइज्ड करना है यानी कि कंप्यूटर में टाइप करना है, तो सूचना को कंप्यूटर में डालना है यानी कि अभी डलाया नहीं है, तो कंप्यूटर में देना है किसको, इसको, तो ये क्या हो गया, इनपुट। कंप्यूटर में देंगे किसको से देंगे, कीबोर्ड से। तो ध्यान देना है एक चीज, जिस डिवाइस की मदद से, डिवाइस मतलब उपकरण, जिस उपकरण की मदद से हम यानी कि यूजर कंप्यूटर में कुछ देगा, हम कंप्यूटर को देंगे, यूजर किसको देगा, कंप्यूटर को, तो यूजर कंप्यूटर को देगा जिस उपकरण से, उस उपकरण को बोलना है इनपुट डिवाइस। फिर से एक बार, जिस उपकरण की मदद से हम कंप्यूटर को कुछ देंगे वह उपकरण क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस, और जिस उपकरण की मदद से कंप्यूटर हमको देगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर किसको देगा, यूजर को, तो यूजर कंप्यूटर को किसको से, इनपुट से, और कंप्यूटर यूजर को किसको से, तो आउटपुट से। इसको भी ध्यान देना है, जिस उपकरण से कंप्यूटर हमको दे आउटपुट, हम कंप्यूटर को दे इनपुट, पहला भाषा। दूसरा भाषा में इसी चीज़ को समझेंगे, जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसको इनपुट कहेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेने वाला को इनपुट और रिजल्ट देने वाला को क्या बोलेंगे, आउटपुट। दो कंसेप्ट एकदम क्लियर, सबसे पहला यूजर से कंप्यूटर में यानी कि हम यूजर आ कंप्यूटर, तो हम देंगे कंप्यूटर के तो कोई उपकरण से देंगे, और जिस उपकरण से देंगे उसको बोलना है इनपुट। जब हम कंप्यूटर को कुछ देंगे तो ना वो काम करेगा, कंप्यूटर चालू करके छोड़ दो बैठे रहो काम हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं होगा, तो सबसे पहले हम उसको कुछ देते हैं कि लो तुम करो, जब हम उसको देंगे तो वो करेगा, आ करके रख ले थोड़े रहेगा, हमको देगा तो कंप्यूटर फिर हमको देगा, तो जिस पर देगा ना उसको क्या बोलना है, आउटपुट डिवाइस, पहला भाषा। दूसरा भाषा में समझना है, इन्फॉर्मेशन यदि लेगा तो लेवे वाला इनपुट आ देवे वाला आउटपुट, नम ठेठ भाषा में लेवे वाला इनपुट आ देवे वाला आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर हमको कुछ देता है, तो आपको कीबोर्ड से कभी कुछ मिला है, नहीं, माउस से कभी कुछ मिला है, नहीं, लेकिन स्क्रीन से मॉनिटर पर कुछ मिला है, तो जब कभी भी हमें कुछ दिखाई देता है तो कीबोर्ड पर कि मॉनिटर पर, मॉनिटर पर जब कभी भी कोई चीज़ प्रिंट मिलता है तो माउस से कि प्रिंटर से, प्रिंटर से, तो यहाँ पे भी बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखेंगे कि इनपुट कौन कौन है और आउटपुट कौन कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए
मैं आपको सलाह देता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाएं और खुद से अपने आप से कुछ कुछ उदाहरण पेश करें कि सर इनपुट डिवाइस है, सर ये आउटपुट डिवाइस है, और हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कंसेप्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट, लेवे वाला इनपुट और देवे वाला आउटपुट। तो सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, हम बोलेंगे आपको यहाँ से बोलना है इनपुट है कि आउटपुट। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट की आउटपुट, तो कीबोर्ड हम देते हैं कि कंप्यूटर हमको देता है, उस पर कीबोर्ड से हम देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर देता है हमको, तो हम देते हैं कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट। यानी कि कीबोर्ड से हमको कुछ नहीं ना मिलता है, हमसे लेता है, तो लेवे वाला इनपुट, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट। माउस इनपुट, लाइट पेन, अभी क्वेश्चन कि सर लाइट पेन कौची होता है, तो कमेंट में कीजिए, अगला वीडियो में जरूर हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस, एंड सो ऑन। इसी तरह से टोटल 15 गो इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को देते हैं, ताकि देंगे तो ना काम होगा, काम होगा तो हमको आउटपुट मिलेगा। तो अब देखेंगे कि आउटपुट किस पर मिलेगा। तो आउटपुट देने के लिए मेनली कंप्यूटर में चार उपकरण का उपयोग किया जाता है। आउटपुट के लिए के गो, चार गो, और इनपुट के लिए 15 गो। तो इनपुट में 15 गो कौन कौन है ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर संपर्क करेंगे, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसमें रिप्लाई करेंगे कि आपका दिया गया उदाहरण इनपुट है या आउटपुट है। तो आउटपुट के अंतर्गत टोटल चार, जबकि इनपुट में 15। चार कौन कौन, सबसे पहला देखेंगे मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है, तो देखने में लगे कि टीवी है, समझ जाओ आपका टीवी या मॉनिटर है, ठीक है। टीवी घर टीवी लगल है ना, तो वही टीवी समझ जाइए कि कंप्यूटर में टीवी को क्या कहते हैं, मॉनिटर। दूसरा देखेंगे कि प्रिंटर, प्रिंटर देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो कोई फोटोकॉपी दुकान में चल जाइए, वो आपको मिलेगा प्रिंटर। तीसरा आपको देखेंगे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर यहू देखे होंगे, एक आध साल पहले शादी ब्याह में खूब धूमधड़ाका था, जहाँ जाओ प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखावा जाता था, जेकर देहाती भाषा में पर्दा बोलते हैं, पर्दा पर, तो प्रोजेक्टर। और चौथा जो है वो है प्लॉटर, ये अनसुना नाम है, नहीं ये सुने होंगे प्लॉटर। तो इस सब के बारे में विस्तार से अगला वीडियो में हम बताएंगे। तो संक्षिप्त में यहाँ पे देखेंगे कि मॉनिटर जो है वो हमको कुछ देता है कि हमसे कुछ लेता है। तो मॉनिटर पर हम लोग जब नज़र दौड़ाते हैं तो क्या हमसे वो कुछ ले रहा है कि हमसे दे रहा है, हमको दे रहा है, तो देवे वाला, अभी क्या बताए थे, लेवे वाला इनपुट और देवे वाला आउटपुट, तो मॉनिटर क्या हो गया आउटपुट। प्रिंटर लेगा कि देगा, तो वो तो कागज़ पर देता है ना कि लेता है, देता है, तो प्रिंटर हो गया आउटपुट। प्रोजेक्टर वो पर्दा पर दिखाता है ना कि हमको कुछ देता है कि लेता है, तो प्रोजेक्टर पर्दा पर दिखा रहा है यानी हमको कुछ दे रहा है, तो प्रोजेक्टर भी हो गया आउटपुट। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्लॉटर कोची है सर, तो प्लॉटर कुछ ना, प्रिंटर छोटका भाई या प्लॉटर बड़का भाई, प्रिंटर छोटका भाई या प्लॉटर हो गया बड़का भाई। जैसे कि छोटका छोटका कागज पर प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, अब बड़का बड़का बैनर देखे होंगे पोस्टर, नेताजी चुनाव में आते हैं बड़का बड़का बैनर टंगवाते हैं, तो बैनर ये सब जो छपता है ना, नक्शा उक्शा छपता है किसको से, प्लॉटर से। तो सीधे परिभाषा में भी आपको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। मॉनिटर देखने में टीवी की तरह हमको कुछ देगा, मॉनिटर। कागज पर प्रिंट करेगा, प्रिंटर। पर्दा पर जो दिखाएगा, प्रोजेक्टर। अब बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा, जैसे नक्शा हो गया, घर का नक्शा उक्शा छपता है, कैलेंडर छपता है, बैनर छपता है, पोस्टर छपता है, यह सारा चीज़ किसको से, प्लॉटर से। तो यहाँ पे चार उदाहरण दिया गया, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। कुछ वर्क इतना हम कर दिए, कुछ काम आपके लिए भी, ध्यान देंगे यहाँ पे, मेरी बातों को सुनेंगे, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, और आपका कर्तव्य है कि यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। और हमारा चैनल का नाम है वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, क्या है कि घंटी बजाइएगा तो ना आपको सुनाई देगा और आपका बात हम सुनेंगे। तो घंटी बजाइए, घंटी बजाने से होगा का कि कोई भी वीडियो हम डालेंगे ना तो सबसे पहले आपके कान में घंटा बजेगा और वीडियो को देखने के लिए आप इच्छुक होइएगा। तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और इस उदाहरण का आपको स्पष्टीकरण करना है कि यह इनपुट है कि आउटपुट है, खुद से सोचिए विचारिए और इसमें आपको परिभाषित करना है। जैसे कि वेबकैम, वेबकैम का मतलब होता है कंप्यूटर का कैमरा, कंप्यूटर का कैमरा इनपुट है कि आउटपुट है, या सिंपल कैमरा इनपुट है कि आउटपुट है। एक बार फिर से, कैमरा हमसे कुछ ले रहा है कि हमको दे रहा है। तो फोटो खिंचवावे जाता है ना तो कैमरवा क्या करता है, हमारा फोटो ले लिया तो कैमरा का हो गया इनपुट। बायोमेट्रिक स्कैनर, अंगूठा लगावे वाला मशीन देखे होंगे, बायोमेट्रिक स्कैनर इनपुट की आउटपुट, आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये सारा चीज को बताना है। तीसरा DCR, इसका पूरा नाम है बार कोड रीडर। मॉल में जाते हैं बिलिंग कराने के लिए, बार कोड को स्कैन किया जाता है, तो वह मशीन क्या है, इनपुट की आउटपुट। गेम खेलने के लिए एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है जॉय स्टिक, इसको बताना है इनपुट है की आउटपुट। और भी बहुत सारा है जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, तो फिलहाल आपके लिए यह वर्क है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इनपुट की आउटपुट। फिर से एक बार पीछे की ओर चलते हैं और ध्यान से देखेंगे। एक बार कंप्यूटर का परिभाषा बताया गया और परिभाषा में ही दो टर्म आया था, RAW, रो डाटा, जिसे बोला जाता है इनपुट पहला, और दूसरा जो आया वो आया रिजल्ट, जिसे बोला जाता है आउटपुट। तो इस वीडियो में, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य था आपको कंप्यूटर का परिभाषा समझाना और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट ये दोनों टर्म को समझना। जब तक ये दोनों टर्म नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट किस पे मिला और कौन हमसे लिया, तो लेने वाला इनपुट, देने वाला आउटपुट, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, टॉपिक का नाम बता देते हैं आपको, यदि कोई जो कुछ भी पढ़ाया गया इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट लगे तो बेझिझक हिंदी में, मगही में, भोजपुरी में या इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन अराइज करें, कमेंट के माध्यम से ही आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में टोटल 8 अक्षर होते हैं, COMPUTER। तो इस कंप्यूटर के 8 अक्षर का क्या मतलब है, सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, एम से क्या होता है, पी से क्या होता है, यू से क्या होता है, टी से, ई से और आर से, सब का मतलब और सब मतलब के मिला के आइए वो वाक्य बनाएंगे जो हमको कुछ देगा, क्या देगा, परिभाषा देगा। ई ना कि जेकरा जे बुझा घर द, सी से कैलकुलेट तो ओ से ओमपुरी, आ एम से मारपीट, आ पी से पटक, यू से उठा, ये सब कुछ ना, अपने से कुछ नहीं भरना है। ऐसा ही शब्द लिखाएगा जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से होना चाहिए और जब सारे शब्दों को एक साथ जोड़ें तो एक कंप्यूटर का परिभाषा निकलना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि हमारा फुल फॉर्म सही है अन्यथा गलत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको कंप्यूटर का मतलब और इसका पार्ट्स के साथ। तब तक आप हमारे द्वारा अपलोड किया गया दो वीडियो को एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।